प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है, वो है आपके पास प्रोपोर्शन। स्टूडेंट प्रोपोर्शन क्या है पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, यहां पर भी दो रेशियो आपस में इक्वल होंगी, मिलकर क्या बनाती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का साइन क्या है? अब एक जो ये दो डॉट होते हैं जो रेशियो के लिए होते हैं, जब आप इसी तरह से दो रेशियो कहना देखें तो चार डॉट आप कहेंगे, तो ये चार डॉट आपके पास किसका सिंबल हो जाएंगे, ये आपके पास सिंबल हो गया प्रोपोर्शन। क्या है प्रोपोर्शन, किस तरह से है देखें इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। ये आपके पास एक रेशियो है टू रेशियो फोर, इसको हमने इक्वल कर रहे हैं दूसरी रेशियो के थ्री रेशियो सिक्स। प्रोपोर्शन के लिए ये सिंबल भी यूज करते हैं और इक्वल का सिंबल भी यूज कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास चार वैल्यू आ रही है, दो प्रोपोर्शन है सॉरी दो आपके पास रेशियो है, चार वैल्यू बनेंगी। अब ये जो y वाली वैल्यू होती है ठीक है, इसको कहते हैं एक्सट्रीम, और ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है ये आपके पास होती है मीन। जो प्रोपोर्शन है उसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी जो अंदर वाली वैल्यू का प्रोडक्ट है वो आपके पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाय वाली वैल्यू। अंदर वाली वैल्यू का प्रोडक्ट आपके पास बाय वाली वैल्यू के इक्वल होता है। अगर आपके पास प्रोपोर्शन में इस तरह के केस आ गए, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, यानी जो मिडल वैल्यू है आपके पास वो आपके पास क्या आ रही हो, वो आपके पास कॉमन आ रही हो ठीक है, दोनों में रिपीट आ रही हो, तो इस तरह के केस को आप क्या कहते हैं मीन प्रोपोर्शन ठीक है। यानी आपके अगर ये वैल्यू की जाए टू रेशियो थ्री प्रोपोर्शन थ्री रेशियो फोर, तो ये जो थ्री है देखें अब एक ही वैल्यू दो बार आ रही है, जो आपके पास मीन है वो तो एक ही वैल्यू है ठीक है, तो उसको आप मीन प्रोपोर्शन का नाम। आगे अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की टाइप्स के बारे में। टाइप्स है टू टाइप्स, पहली आपके पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरी आपके पास है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। पहले हम डायरेक्ट को डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपके पास क्या है, द रिलेशन इन विच द रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी increasing
proportion. To which other quantity increase. And vice versa. Direct क्या है? यानी आपके पास proportion में दो values है, दो ratios है. अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी आपके पास उसी निस्बत से बढ़ेगी. अगर आपके पास एक पांच गुना बढ़ रही है तो दूसरी भी पांच गुना बढ़ रही होगी. एक अगर आपके पास दो गुना बढ़ रही है तो दूसरी भी आपके पास दो गुना बढ़ रही होगी. यानी जितनी एक वैल्यू आपके पास बढ़ रही है उतनी ही आपके पास दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही होगी. तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा? ये आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा. अब बात करते हैं इनडायरेक्ट या इनवर्स. इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स उसका अपोजिट, रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीज इन सेम वे. ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी इसी हिसाब से इंक्रीज करती है इन सेम प्रोपोर्शन इन विच अदर इज डिक्रीजिंग एंड वर्स. इनवर्स क्या है? इनवर्स ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर एक क्वांटिटी आपके पास बढ़ रही है तो दूसरी आपके पास क्या होगी? कम हो जाएगी. एक अगर आपके पास दो यूनिट बढ़ी है तो दूसरी दो यूनिट कम हो रही होगी. ठीक है, यही आपको बता रहे हैं रिलेशन इन विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन इन विच अदर इज डिक्रीजिंग. उसी निस्बत से एक बढ़ेगी जिसी निस्बत से दूसरी कम हो रही है. एक अगर दो के हिसाब से कम हुई है तो दूसरी दो के हिसाब से बढ़ी होगी. एंड वाइस वर्सा उस तरह अगर एक कम हो रही है तो दूसरी उसी हिसाब से बढ़ रही है. तो अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं. इसी को इस्तेमाल करते हुए ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट और इनवर्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर. टेन की वैल्यू हमने फाइंड कर 13:3 proportion m:6. अब आपको पता है proportion में product of mean equal होता है product of extreme के. जो मीन का प्रोडक्ट है अंदर वाली वैल्यू के प्रोडक्ट बाहर वाली वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर है. अब अंदर वाली वैल्यू कौन सी है? 3 × m किसकी इक्वल आ जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और एक्सट्रीम आपके पास कौन सी है? बाहर वाली वैल्यू है ना 13 × 6. व्हाट वी हैव टू फाइंड? हमने m फाइंड करना है. m को सेपरेट करेंगे ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 13 × 6 over 3 3 × 3 3 × 2 8 m कितना आ गया 13 × 2 m की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 26. दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को.
हमने m फाइंड करना है, हमें पता है प्रोपोर्शन में मतलब वाली दोनों वैल्यूज होती हैं वो मीन होती हैं, उसका प्रोडक्ट आपस में और डिवाइड वाली वैल्यू होती है एक्सट्रीम होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में बराबर होते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन 3 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 13 मल्टीप्लाई बाय 6, हमने m फाइंड करना है, उसको हमने सेपरेट करना है, यहां पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 2 टाइम्स 6 हो गए, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर आपके पास कितना आ गया 26 आ गया। पार्ट नंबर इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मीन कौन सी है 5 into 3, एक्सट्रीम कौन सी है m into 10। अब देखिए हमने m फाइंड करना है, m को हमने क्या करना है सेपरेट करना है, यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 ओवर 10 इज इक्वल टू n, 5 1 5 5 2 10, m आपके पास कितना आ गया 3/2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5, तो 1 × 2 1.025 × 10। लेकिन क्वेश्चन में हमने क्या किया वही रूल, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अंदर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, बाहर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, हमने m फाइंड करना है, m के साथ जो वैल्यू भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है उसे हम सेपरेट कर देंगे, तो यहां पर 10 मल्टीप्लाई हो गया, 10 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 का सॉरी मल्टीप्लाई का आपको देख क्या होता है डिवाइड हो जाएगा, 5 × 5 5 × 2 10, n कितना आ गया 3/2, डिवाइड कर रहे हैं m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 1.5 आ गई है। तो स्टूडेंट दो पार्ट आपके हो चुके हैं, नेक्स्ट दो पार्ट आपके पास रहते हैं वो आप लोगों ने किसी तरह से खुद अटेम्प्ट कर लेने, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज को आगे कैरी ऑन करेंगे, तब तक आप इसी अच्छी तरह से तैयार।